तो दोस्तों, अगर आप भी अपने पीसी गेम्स में थोड़े से और एफपीएस ऐड करना चाहते हैं लेकिन बिना कोई पैसे खर्च करे हुए, तो दोस्तों आपके लिए ओवरक्लॉकिंग बहुत ही अच्छी चीज रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात इसी बारे में करने वाले हैं कि आप अपने जीपीयू को ओवरक्लॉक कैसे कर सकते हैं, और वो भी बिना कोई पैसे खर्च करे हुए और अपने गेम प्ले में थोड़े से और एफपीएस को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेकमेट्रिक्स में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो चालू करते हैं। तो इस चीज के लिए सबसे पहले ओवरक्लॉकिंग के लिए आपको दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, वो दोनों सॉफ्टवेयर ये है, MSI कॉम्बस्टर और MSI आफ्टरबर्न। तो दोस्तों, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो दोस्तों वहां से जाकर आपको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इन दोनों सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जल्दी से हम दोनों सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं, इसमें कोई भी टाइम नहीं लगने वाला है। तो इसी के साथ हमारा जो पहला सॉफ्टवेयर है उसमें एक आपको रिवर्ड ट्यूनर भी नाम का एक सॉफ्टवेयर मिलेगा जिसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, आपको उसे कैंसिल मत करना। तो दोस्तों, ये इंस्टॉल होने के बाद सिंपली हम कॉम्बस्टर को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो भी इंस्टॉल हो चुका है, और आप देख ही सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पर दोनों सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। तो दोस्तों, पहला है MSI कॉम्बस्टर और दूसरा है MSI आफ्टरबर्न। तो दोस्तों, MSI आफ्टरबर्न को हम जैसे ही ओपन करते हैं, तो दोस्तों ये सब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरा PC इंटरनेट से अभी कनेक्टेड नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके PC इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप में ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे सिंपली जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आप पे तीन सेटिंग्स देखेंगे। सबसे पहले वोल्टेज, क्लॉक, फैन। और दोस्तों, वोल्टेज के अंदर आपको कोर क्लॉक मिलेगी वैल्यू और मेमोरी क्लॉक वैल्यू मिलेगी। तो दोस्तों, सिंपली मैं अपना CPU Z को ओपन कर लेता हूं ताकि आप मेरी जो CPU की सारी वैल्यूज है वो देख सकते हैं। तो मैं CPU Z को ओपन कर चुका हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा जो GPU यानी ग्राफिक कार्ड है वो है NVIDIA का GeForce GT 1030, और यहां पर आपको उसके लिए क्लॉक वैल्यू और ये सारी दोनों वैल्यू आपको चाहिए। तो दोस्तों, सिंपली आप अपने ग्राफिक कार्ड के लिए सारी वैल्यूज कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए भी एक चीज है। तो दोस्तों, इसके लिए सिंपली आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना होगा, जैसे कि मैं भी ओपन कर लेता हूं। तो अपने ब्राउजर को ओपन करने के बाद सिंपली आपको अपने GPU का नाम डाल देना होगा, और उसके बाद सिंपली आपको लिख देना होगा ओवरक्लॉक वैल्यू। तो दोस्तों, आपको अपने GPU के लिए ओवरक्लॉक वैल्यूज मिल जाएंगी। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे को पता है कि मेरे GPU की ओवरक्लॉक वैल्यूज क्या है, तो मैं सिंपली कोर क्लॉक में 140 डाल दे रहा हूँ, और जो मेरी मेमोरी क्लॉक है उसमें मैं 500 डाल दे रहा हूँ। तो दोस्तों, सिंपली यहाँ पर मेरी क्लॉक वैल्यूज आ चुकी हैं, और यहाँ पर सिंपली आपको तीन यहाँ पर बटन्स मिल रहे होंगे। तो सबसे लास्ट में आपको एक सेव बटन मिल रहा होगा, और राइट साइड में आपको यहाँ पर चैनल्स मिले होंगे जहाँ पर आप जो वैल्यूज हैं अलग अलग वैल्यूज को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं पिछली बार रिसेट हो गई थी, मैं दोबारा एक बार 140 और 500 डाल दे रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वैल्यूज डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको सेव का बटन मिल जाएगा, यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं सारी विचल, और यहाँ पर आपको उसके राइट साइड में एक अप्लाई का बटन भी मिल रहा होगा। तो दोस्तों, मैं जैसे ही इसको अप्लाई कर देता हूँ तो मेरी यह वैल्यूज यहाँ पर सारी अप्लाई हो जाएंगी। तो दोस्तों, अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपकी जो ओवरक्लॉकिंग है वो तो कंप्लीट हो गई। तो चलते हैं हम अपने सेकंड स्टेप की ओर। तो सेकंड स्टेप में अपने GPU को हमें स्ट्रेस टेस्ट करना होगा। तो दोस्तों, उसके लिए हमने जो सेकंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था MSI का कॉम्बस्टर, उसको ओपन कर लेना होगा। तो उसको ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे होंगे। तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा रिजोल्यूशन का। तो दोस्तों, आपके जो PC में रिजोल्यूशन है उसको आपको करना होगा, जैसे मेरी 1920x1080 है। तो दोस्तों, उसको करने के बाद मैं बेंचमार्क को रन कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं सीधा आपको बेंचमार्क पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा 386 हो रहा है, और दोस्तों ओवरक्लॉकिंग से पहले 361 था। तो दोस्तों, ये स्ट्रेस टेस्ट करने के बाद सिंपली हम इसके गेम प्ले पे चल जाते हैं। गेम प्ले में हम GTA 5 को एज एन गेम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही कंडीशन में, बिफोर और आफ्टर में, दोनों ही कंडीशन में मेरी सेटिंग सेम है, यानी मैं GTA 5 को वेरी हाई पे खेल रहा हूँ। तो दोस्तों, आप ऊपर राइट साइड में देख ही सकते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड में आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर सारी वैल्यूज हैं, जो कि FPS है, GPU यूजेस है, मेमोरी यूजेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो मेरी FPS है बिफोर ओवरक्लॉकिंग और आफ्टर ओवरक्लॉकिंग कैसी है। तो दोस्तों, आप खुद ही देख के बता सकते हैं कि ओवरक्लॉकिंग के बाद क्या असर पड़ा है, और अपनी जो गेम प्ले के FPS बूस्ट में आपको कैसा बूस्ट मिला है। तो दोस्तों, मेरे कंडीशन में तो यहाँ पर मेरे गेम प्ले में पूरे 5 FPS का बूस्ट मिला हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिफोर ओवरक्लॉकिंग में मेरे 25 के अराउंड FPS
कांस्टेंट आ रही थी, लेकिन जो मेरी आफ्टर ओवरक्लॉकिंग है वहाँ पर 30 FPS कांस्टेंट लगभग दे रहा है। तो दोस्तों इसे ऐसे ही आप अपने GPU को ओवरक्लॉक कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।